26 जनवरी दियां हिंसक घटनावां तो बाद किसान मोर्चियां तो नौजवान लापता हन। परेड लई निकले कई नौजवान ना वापस मोर्चियां च परते हन अते ना ही घर गए हन। सूत्रां मुताबक पुलिस वालों फड़े गए किसान मुंडे तकरीबन 20-25 तिहाड़ जेल विच बंद हन अते 20-25 रोहिणी जेल विच बंद हन अते कुछ होर बाकी जेलों विच भी हो सकते हन जिन्हां बारे पता लाया जा रहा है। उन्हां विचों 9 मानसा, 2 बठिंडा, 12 नौजवान मोगा अते 2 नौजवान मुक्तसर साहब दसे जा रहे हन जिन्हां नूं पुलिस ने लाल किले जां नरेला तों गिरफ्तार कीता सी। किसान जथेबंदियां लापता नौजवानां बारे हाले तक ढिल्ली पहुंच अपना रही हैं। अजिहे विच कुछ मनुखी अधिकार संगठन अते वकील सरगर्म होए हन। पुलिस ने इन्हां मामलों च FIR ना तो इंटरनेट ते ना ही कोर्ट विच पेश कीती कि उन्हां दे मापिआं नूं पता ना लग सके। FIR 24 घंटिआं विच पेश करनी लाजमी हुंदी है पर मुल्क विच जो तंत्र चल रहा है उस च कानून की गल करना बेमाना है। DSGMC मुखी मनजिंदर सिंह सिरसा इस मामले च अगे आए हन। सिरसा वल्लों लीगल सहायता की पेशकश की गई है अते कहा कि कई नौजवान इन्हां ने तिहाड़ जेल भेज दिते हन। असीं सारे नौजवानों का पता करांगे अते कानूनी सहायता दिती जावेगी। साडी लीगल टीम लगातार इस काम विच लगी हुई है। मनजिंदर सिरसा की बाइट जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो कल तो एक व्हाट्सएप के उत्ते बच्चों की जानकारी मिली जथेदार अकाल तख्त साहब ने भी उसनों बड़ी चिंता की कि 11 बच्चे जिहड़े कि मोगे दे ने वो लापता ने जिस दिन तो 26 तरीक तो यह दिल्ली के अंदर मार्च हुई और वह हिंसक हुई उसकी असी मैं हमने सारी जानकारी जॉइंट CP गल करके इतों की जानकारी ली। इन्हों नांगलोई पुलिस स्टेशन के अंदर अरैसट किया गया सीगा और हूँ इन्हों तिहाड़ जेल के अंदर भेज दिता गया। सब तो पहले तो दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी सबनों यह बेनती करना चाहती है। मैं सवेर का इसे काम लगा, सवेर के बहुत सारे फोन कोई नरेला तो कोई अलीपुर बंदे फड़े हुए ने, कोई नरेला च मुंडे फड़े हुए ने, जगह जगह ने और उन्होंने सब की पैरवाई दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कर रही है। मैं सब एक पहले यह बेनती करना चाहना तुहाड़ी जानकारी कोई भी ऐसा केस आता है, कोई बच्चा मिसिंग आ, किस दे बारे पता नहीं लग रहा, वो साड़ी जानकारी जरूर लेके आओ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपना एक लीगल हैड का पैनल बनाया है जिसके अंदर एडवोकेट जिम्मेवार लोग पाए गए हैं, बड़े सारे वॉलंटियर्स ने भी साड़ा अंदर साथ दे रहे हैं, बड़िया विमेन एडवोकेट भी साड़ा साथ दे रही ने, उसकी मीटिंग भी शाम ने करन जा रहे हैं और असं इस यकीनी बनावांगे कि कोई भी बंदे जिहड़े नजायज जिन्हां दे उत्ते तंग किया जा रहा या जिन्हां दे उत्ते मुकदमे बनाए गए ने उन्हां लोगों की लड़ाई लड़ी जाए और उन्होंने इस कानूनी जिहड़ी हर तरह की मदद उन्होंने प्रोवाइड कर मुहैया कराई जाए, प्रोवाइड की जाए। सो एक तो साड़ी जानकारी जरूर तुसीं लैके आओ और दूजी गल कि जिहड़े हुण तक साड़ी जानकारी आए आ वो मैं जरूर तुहानूं दसना चाहुंदा कि बच्चे जिहड़े ने इन्हां मुंडिआं दे बारे च पता लगा 11 जिहड़े लड़के ने इन्हां नूं तिहाड़ जेल च भेज दिता गया है। ये नांगलोई पुलिस स्टेशन दी FIR। इसे तरह असीं अपने हॉस्पिटल च भी टीम भेजी सी, सारे सरकारी हस्पतालों च भी असीं जानकारी ली आ, उहदे च सानूं सिर्फ इक्को ही जानकारी मुंडे दी मिली है सेंट स्टीफनस अंदर जिन्हों गोली लगी हुई अमनदीप है शायद नाम, मैं नाम भुल रहा, उन्हां दी जानकारी मिली आ। उस दे अलावा कोई जिहड़ा है फटड़ जिहड़ा ऐसा होवे हॉस्पिटल अंदर नहीं सीगा, फिर भी तुहाडी कोई जानकारी च होवे सानूं उह भी जानकारी दिओ और असीं कोई बच्चा नहीं जिहदे बारे मता लिख पा रहा होवे उह भी दिओ। कल दे जिहड़ा नरेला दा केस आ उहदी भी जानकारी, नरेला च कुछ लड़के पकड़े गए सीगे उन्होंने भी हमने कोर्ट अंदर पेश किया जा रहा है। अलीपुर के अंदर भी सू जानकारी मिली अलीगढ़ तो अलीपुर तो भी जो मेरे उत्तर जॉइंट CP ने IG ने रेंज उन्होंने मेरी गल हुई है, उन्होंने मैंने इंश्योर किया है कि असी कोई भी नजायज मुंडा नहीं है रहा और जोड़ा भी कोई मुकदमा जो बनया है वो असी कोर्ट के सामने तुरंत पेश कर रहे हैं। किसी मुंडे को इलीगल डिटेन नहीं किया जा रहा, किसी रखा नहीं गया, जो भी आज के अंदर कोर्टा अंदर पेश किए जाएंगे और साढ़े वकील जड़े ने उत्थे हर वेले खड़े रहेंगे। असं अपने वालों पूरी कोशिश करते पे हर जगह पहुंचने की पर कोई गल नहीं, टाइम दी सीमावां हुंदियां ने, कोई घंटा अगे पिछे भी हो जाऊगा तो असीं तुहानूं अश्योर करदे आ कि असीं हर जगह साडे वकील पहुंचणगे, हर पुलिस स्टेशन दे जिथे जिथे मुकदमे होए उत्थे साडे वकील पहुंच के इन्हां नूं सब नूं लीगल रेमेडी जो जरूरत आ दवाउण दी कोशिश करनगे। मनुखी अधिकार जथेबंदियां अते सिख जथेबंदियां ने दिल्ली विच वापरी हिंसा की घटना दौरान निर्दोष प्रदर्शनकारियों से पाए गए झूठे केसां की पैरवाई अते लापता नौजवानों के मामले विच मुफ्त कानूनी सेवावां देने की पेशकश की है। पंजाब मनुखी अधिकार संगठन इंटरनेशनल खालड़ा मिशन ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब डाकूमेंटेशन एंड एडवोकेसी प्रोजेक्ट, लॉयर फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स लॉ नैटवर्क, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी जथेबंदी वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई
जिस दौरान बीबी परमजीत कौर खालड़ा एडवोकेट सरबजीत सिंह एडवोकेट जगजीत सिंह बाजवा ने आख्या कि समूह मनुखी अधिकार जथेबंदियां ने फैसला किया है कि हिंसक घटनावां दौरान लापता हुए नौजवानों के मामले की पैरवाई वास्ते मुफ्त कानूनी सेवावां देणगे। उन्होंने दावा किया कि इन घटनावां दौरान लगभग 300 नौजवान लापता हैं। यह नौजवान हुण तक अपने घरां नूं नहीं पुजे हैं। उन्होंने दोष लाया कि कुछ नौजवान दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं और कुछ बारे पता नहीं लग रहा है। यह जथेबंदियां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के होर वकीलों की मदद नाल इस मामले में पैरवाई कर उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे भी इस मामले में अपनियां सेवावां की पेशकश की है। मनुखी अधिकार संगठन के आगुआ ने दोष लगाया कि केंद्र सरकार ने किसान अंदोलन नूं फेल करन दे मंतव नाल गैर समाजी लोगों की घुसपैठ कराई ता जो अंदोलन नूं बदनाम किया जा सके। ग्रुप पंथक तालमेल संगठन के कन्वीनर ज्ञानी केवल सिंह केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के डॉक्टर खुशहाल सिंह श्रोमणी कमेटी के सबका मैंबर जसविंदर सिंह एडवोकेट ने अपील की कि मुफ्त सेवावां लई को कन्वीनर जसविंदर सिंह एडवोकेट नाल संपर्क कर सकते हैं। अमरीका की सिख कोआर्डीनेशन कमेटी ने किसान संयुक्त मोर्चे को अपील की है कि नौजवानों से पाए गए झूठे केसों के मामले की पैरवाई लई लीगल कमेटी बनाई जाए जिसनों उन्होंने वालों पूर्ण सहयोग दिता जाएगा। कोआर्डीनेशन कमेटी के कोआर्डीनेटर हिम्मत सिंह ने आख्या कि इस मामले विच सिख जथेबंदियां वालों हर तरीके नाल मदद की जाएगी। जिक्र खास है कि 26 जनवरी नूं किसान जथेबंदियां वालों परेड का सद्दा दिता गया सी जिस विच वड्डी गिनती विच नौजवानों ने शमूलियत की सी। वड्डी गिनती विच पंजाब हरियाणा समेत होर सूबियां तो किसान वख-वख मोर्चियां ते पहुंचे सन। यह रैली निकली तो कई थावां ते हिंसक झड़पां हुईयां। इस दौरान पुलिस ने वड्डी गिनती विच नौजवानों नूं हिरासत विच लिया। इन्हां नौजवानों विच वड्डी गिनती सिख नौजवानों की है। लाल किले तो भी वड्डी गिनती विच नौजवान फड़े गए हैं पर इन्हां नौजवानों बारे हाले कोई पता नहीं है। ना तो किसान जथेबंदियां खुल के सरगर्म हो रही हैं अते ना ही इन्हां नौजवानों के घर वालों कोई इस तरह की जानकारी सांझी की गई है। पर इसके बावजूद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैकड़े नौजवान लापता हैं। यह नौजवान दिल्ली दी वख-वख जेलों में हैं या पुलिस थाणियों में डके हुए हैं। पुलिस ने इन्हां मामलों में FIR दर्ज नहीं की है। इन्हां नौजवानों की की हालत है इस बारे हुण मनुखी अधिकार संगठन अते वख-वख थावां तों वकील अपने पद्धर ते लामबंद होए हन। उन्हां वल्लों लगातार अपील सोशल मीडिया से की जा रही है कि इन्हां नौजवानों बारे किसी नूं कोई पिणक मिलती है तो जानकारी सांझी करन। वह मुफ्त कानूनी सहायता देने दे लई तैयार हन। अलीपुर थाने असीं खड़े हां लेकिन मैं तुहानूं इस गल दा आश्वासन दिला दां कि दिल्ली कमेटी और जिन्हें भी ऐसे बहुत सारे सूझवान और जागदी जमीर वाले वकील साहबान भी ने और होर बहुत सारे लोग ने और दिल्ली कमेटी इन्हां परिवारां दे नाल खड़ी है। असीं पूरा जोर लावांगे ताकि इन्हां नूं इन्हां दे परिवार वालियां नूं मिलाया जा सके। जे उन्हां नूं अरेस्ट कर लिया गया और उन्हां नूं कोर्ट च दाखिल करता गया है ते असीं उन्हां दी जमानत भी करा लांगे लेकिन सानूं उन्हां परिवार वालियां दी वेलबींग पता लगे कि वह ठीक ने जिउंदे ने कि या उन्हां नूं कुछ करता गया है। जिहड़े भी संघर्ष विच ये किसानी संघर्ष विच जिहड़ा भी परिवार नूं नजायज तौर ते चुकया जा रहा है या जिहड़े लोगां नूं चुकया जा रहा है असीं सारे उन्हां दे नाल खड़े हां। जागदे जमीर वाले उन्हां दे नाल खड़े हां। मैं इस गल नूं जरूर तुहानूं सारिआं नूं दसणा चाहुंदा कि अलीपुर थाने च सानू और वकील साहब नू नहीं अंदर वड़न दिता जा रहा और वह कह रहे हैं ना असीं मिलन दांगे ना असीं दिखावांगे कि इत्थे बंदे हैगे ने कि नहीं हैगे। हुण ये देखने वाली गल है कि बई किन्नी क धक्केशाही है साडे ते किसानां वीरां ते करना चाह रहे। तो मैं आप सारे नू अपील करदा कि जिहड़े भी परिवार जिन्हां दा कोई जी नहीं मिलदा पिया वह कृपा करके साडे तक संपर्क करन ताकि असीं उन्हां नू लभ करके उन्हां दे परिवार वालियां नाल मिला सकीए। जेकर तुहानूं साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।